गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही प्रोग्राम को एक समय में रन करने के लिए यूजर को अलाउ करता है। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन कर सकते हैं। डॉस जो होता है वो एक एग्जाम्पल होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI की फुल फॉर्म होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें ग्राफिक्स और आइकन्स होते हैं जो कॉमनली रूप से कंप्यूटर माउस के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनको हम कंप्यूटर में जो माउस होता है उसकी सहायता से ही चला सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल, इसके 8.x, विंडोज 98 और विंडो CE। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को अलाउ करता है कंप्यूटर एक ही समय में कंप्यूटर को सेम टाइम में एक ही कंप्यूटर यूज करने के लिए, जिसमें मल्टी यूजर्स काम कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000। मल्टी प्रोसेसिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक कंप्यूटर प्रोसेसर को यूटिलाइज करने में सपोर्ट करने में कैपेबल होता है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 2000 इसके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक, दो या दो से अधिक एप्लीकेशंस पर काम करने के लिए अलाउ करता है। मतलब उस पर हम एक से अधिक भी एप्लीकेशन खोलकर उस पर वर्क कर सकते हैं जो सेम टाइम में कंप्यूटर में खुले होते हैं या सेम टाइम में होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के विभिन्न पार्ट्स को एक साथ रन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कुछ लिस्ट दी गई हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं जो सॉफ्टवेयर मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनी होती हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं उनकी लिस्ट नीचे दी गई है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में MS-DOS कहते हैं। MS-DOS
एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम जो भी कमांड एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जो भी कमांड हम एंटर करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए होता है। विंडोज 3.1 एमएस डॉस के साथ जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती हैं कंप्यूटर की उनको कंट्रोल करने में सहायक होता है। विंडोज 3.1 एमएस डॉस पर ही डिपेंड होता है। यह जो भी ऑपरेटेड करना होता है उसको स्वयं अकेले ऑपरेट नहीं कर पाता है, उसके लिए इसको एमएस डॉस पर ही यह डिपेंड होता है। इस तरह यह ट्रू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। विंडोज 3.1 का सक्सेडिड रूप है विंडोज 95। यह ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये अधिक सरल होता है विंडोज 3.1 की अपेक्षा, और इस ये ग्राफिकल भी होता है, अधिक ग्राफिक होते हैं इसमें। विंडोज 95 रिलीज्ड हुआ था अगस्त 1995 में। विंडोज 98 सक्सेसर रूप था विंडोज 95 का। यह ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या, इसमें इम्प्रूव्ड फीचर्स थे, कुछ नए फीचर्स थे और कुछ इम्प्रूव्ड फीचर्स थे, लेकिन यह विंडोज 95 से काफ़ी समानता रखता है। आज यहीं तक। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, अब होमवर्क में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर 1 के ही लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन नंबर 1 ये करेंगे, ये इसमें बना हुआ है ग्राफ, ये बनाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये करेंगे आप। अगर इसका ग्राफ ये समझ में ना आ रहा हो, हल्का दिख रहा हो, तो बुक में ये पेज नंबर 5 पर ये दिया होगा, ये बनाएंगे आप। ओके क्लास।